All right. So good morning, good morning to everyone. बात मेरा नाम है निकिता, आई एम द प्रोडक्ट एंड द बिजनेस ट्रेनर. और आज के सेशन में मैं सबका स्वागत करती हूँ. आज के इस आफ्टरनून सेशन में मैं सबका स्वागत करती हूँ एंड आई एम श्योर आप सब स्वस्थ होंगे. अगेन ड्यू टू दिस नेटवर्क इशू मुझे मेरा जो कैमरा है ये ऑफ करना पड़ रहा है. सो बट यस, मैं चाहती हूँ कि आप आज के इस सेशन से प्रोडक्ट की ज्यादा से ज्यादा जानकारी ले. सो एनी आइडिया आज हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं? यस, चैट बॉक्स इज ओपन, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. ओके, सो बहुत ही अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं यहाँ पे, आई कैन सी. ऑलराइट, सो यस, यहाँ पे काफी लोगों ने आंसर्स करे हैं एंड यस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम. सो मोदी केयर के हमारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम सबको पता है हमें हेल्दी बनाने के लिए ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, राइट? एंड आई एम श्योर आप इन सारे प्रोडक्ट्स को रेगुलरली कंडक्ट भी ले भी रहे होंगे. कितने लोग हैं यहाँ पे जो रेगुलरली सुबह उठ के एटलीस्ट दो प्रोडक्ट्स की स्टार्टिंग से अपने दिन की शुरुआत करते हैं? आज के इस सेशन में क्योंकि हम इस वेट मैनेजमेंट की कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में जानकारी लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सबको पूछना चाहती हूँ, कितने लोग ये सोचते हैं कि ज्यादा वजन बढ़ना या फिर ओवरवेट होना आपके हार्ट के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली सिचुएशन हो सकती है? कितने लोग ये मानते हैं कि ओवरवेट जैसे प्रॉब्लम की वजह से आपको शुगर या डायबिटीज जैसी तकलीफें भी हो सकती है? और कितने लोग ये सोचते हैं कि ओवरवेट होने की वजह से आपको घुटनों के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं? राइट, सो इन शॉर्ट हमें ये पता चल रहा है कि ओवरवेट एक ऐसी समस्या है जिसके वजह से आपके जॉइंट्स भी हर्ट हो सकते हैं. ओवरवेट की प्रॉब्लम्स के वजह से ही आपके आपको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं एंड आपको डायबिटीज भी हो सकता है, राइट? एंड दैट इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू कंट्रोल टू मैनेज योर वेट. लेकिन कौन मुझे ये बता सकता है कि वेट को मैनेज करने के लिए सबसे बड़ा कौन सा चेंज है जो हम कर सकते हैं? एनीबडी? अगर हमें वजन घटाना है, अगर हमें वजन को नियंत्रित रखना है, तो कौन सी बड़ी चीज है जो सबसे पहले हम कर सकते हैं? सो अगर मुझे वेट को मैनेज करना है तो केवल मुझे डाइट पे फोकस करना या फिर मुझे सिर्फ डाइट चेंज करना इज नॉट अ थिंग, लेकिन मुझे डाइट के साथ साथ रेगुलरली एक्सरसाइज करना भी उतना ही जरूरी है. और ऑफकोर्स मैं ये तो हर एक को कहूंगी कि दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं बनी है जो आपको एक दिन में 10 किलो वजन घटा दे. कोई आपको एवरी डे आपका नियमित एक्सरसाइज, जो भी आप कसरत कर रहे हो वो कसरत होनी चाहिए, और आपका डाइट मॉडिफिकेशन, ये सारी चीजें आपके वेट मैनेजमेंट में मदद करती है. लेकिन इन सब के साथ अगर आप एवरी डे, अगर मैं कहूंगी आपके सप्लीमेंट्स का, अगर आपका जो इनटेक है अगर वो स्ट्रांग रखोगे, तो आपको जो वेट का आपका कंट्रोल में रखने का जो आपका ये जो जर्नी है वो और इजीली अचीव करने के लिए मदद हो जाती है. सो यस, आज के इस सेशन में सबसे पहले तो हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके शरीर की सबसे पहले जो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है उसको तो पूरा करता ही है, बट एट द सेम टाइम आपकी प्रोटीन्स की कमियों को पूरा करता है. अगर आपको पता हो तो लेट मी टेल यू कि हमारा भारत देश इज अ प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री, यानी कि हमारे पूरे देश में प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा मानी जाती है. एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे तो अलग अलग जो हमें बीमारियां होती है, स्पेशली डायबिटीज है, हार्ट प्रॉब्लम है, ओवरवेट है, कहा जाता है कि हर डायबिटिक जो पेशेंट है 10 में से 9 लोग ये प्रोटीन डेफिशिएंट माने जाते हैं. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि हमारे कौन से प्रोडक्ट्स हैं, एंड इन प्रोडक्ट्स में जो आज सबसे पहले हम प्रोडक्ट देखने जा रहे थे वो था हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर. तो जैसे मैंने बताया था कि 9 out of 10, यानी कि 10 में से 9 लोग आज भी ऐसे हैं जिन्हें प्रोटीन डेफिशियंसी देखी जाती है, मानी जाती है, उन्हें सबसे ज्यादा ओवरवेट की शिकायतें होती है. सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि हमारे हर रोज के खाने में, फिर वो ब्रेकफास्ट हो, हमारा लंच हो, हमारा डिनर हो, इन तीनों चीजों में आपका प्रोटीन का एक सही उपयोग, सही इंक्लूजन हो. अगर मैं आपको बताऊं हर सुबह हम ब्रेकफास्ट के लिए क्या
क्या खाते हैं? तो आई एम श्योर आप सारे लोग प्रोबेबली रोटी सब्जी खाते होंगे, शायद पोहे, उपमा, दिस इज द नॉर्मल ब्रेकफास्ट, राइट? लेकिन कितने लोग यहाँ पे आज ऐसे हैं जो सुबह उठ के 5 से 6 अंडे खाते हैं, या फिर कितने लोग ऐसे हैं जो एवरी मॉर्निंग उठ के स्प्राउट्स खाते हैं? कैन आई सी द हैंड्स? कितने लोग ऐसे हैं जो प्रोटीन्स की कमी के वजह से एवरी डे अपने ब्रेकफास्ट में प्रोटीन्स के लिए स्प्राउट्स खा लेते हैं, या फिर कितने के लोग ऐसे हैं जो एवरी मॉर्निंग एग्स खा लेते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली, राइट? और ऐसे ही कंडीशन में हमें एक ऐसे कन्वीनियंट सोर्स की जरूरत है जो हमें एवरी डे हमारी प्रोटीन्स की कमियां पूरा कर सके. तो यहाँ पे वी आर प्रेजेंटिंग ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर. नाउ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर जो है ये हमारे ह्यूमन ब्लॉक्स ऑफ मसल्स का काम करते हैं, यानी कि हमारे मसल्स को मेंटेन करने का काम करते हैं. एट द सेम टाइम ये हमें मदद करता है हमारे एंटीबॉडीज बनाने के लिए, हमारे शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी बनाने के लिए. यहाँ पे जैसे बहुत ही इंटरेस्टिंग आंसर आया है जो मुझे कह रहे हैं कि वो एवरी डे स्प्राउट्स खाते हैं, राइट? एंड जैसे कि मुझे गोल्डी त्रिपाठी जी कह रहे हैं एंड विशाखा जी भी कह रहे हैं. विशाखा जी एंड गोल्डी जी, मैं आपको डेफिनेटली आपके क्वेश्चन जो आपने सजेशन दिया है कि आप स्प्राउट्स खाते हो, लेकिन मैं डेफिनेटली ये बताना चाहती हूँ कि कई बार हम जब ऐसे कुछ आहार का उपयोग करते हैं उससे हमें क्वालिटी ऑफ प्रोटीन्स नहीं मिलता जो हमें यहाँ पे मिल जाता है हमारे ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर से. हमारा ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाने के लिए मदद करता है. इनफैक्ट शरीर में जो जरूरी हॉर्मोन्स जिसे हम इंसुलिन भी कहते हैं, इस इंसुलिन को एक्टिव रखने के लिए जो हॉर्मोन्स लगते हैं उसको बनाने का काम भी प्रोटीन्स ही करते हैं. आपके शरीर में स्ट्रक्चर जो है बनाने का काम प्रोटीन्स करते हैं, एंड ट्रांसपोर्टेशन का काम भी प्रोटीन्स करते हैं. नाउ ऐसे समय पे कितना प्रोटीन्स लेना जरूरी है? तो एवरी डे पर केजी 1 ग्राम हमें प्रोटीन लेना जरूरी है, यानी कि आपका जितना वजन है उतना आपको प्रोटीन्स लेना जरूरी है. अब यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि जैसे मैंने बताया है कि पर ग्राम आई मीन आपका जितना वजन है उतना प्रोटीन लेना जरूरी है, इसका मतलब क्या ये होता है कि अगर आपका वजन 100 किलो है तो क्या आपको 100 ग्राम प्रोटीन लेने की जरूरत है? यस, कौन मुझे यहाँ पे बताएगा? अगर किसी व्यक्ति का वजन है 130 किलो तो क्या वो 130 ग्राम प्रोटीन लेगा? नहीं? एनी आइडिया क्यों नहीं लेगा? राइट? तो जहां पे हम बात कर रहे हैं 1 ग्राम पर केजी, इसका मतलब आपको 1 ग्राम पर आपके आइडियल वेट के अनुसार प्रोटीन्स लेने की जरूरत है. ऑलराइट, सो इसके साथ साथ जब हम ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर की बात करते हैं तो ये 3 तरह के प्रोटीन से बनता है. वन इज व्हीट प्रोटीन, सेकंड इज सोय प्रोटीन, एंड थर्ड इज येलो पी प्रोटीन. ये तीनों जो प्रोटीन्स है ये आपको ये प्रोटीन के सोर्सेस से आपके शरीर की प्रोटीन की कमियां पूरा करता है. प्लस इसके 1 स्कूप से हमें मिलता है 8.42 ग्राम ऑफ प्रोटीन, राइट? सो जिसके वजह से आपके शरीर की जो एवरी डे की जो जरूरतें हैं ये भी पूरी होती है. 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इसमें से मिलते हैं. इसमें सोय आइसोफ्लेवोन से जो एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी इम्यूनिटी का भी ख्याल रखते हैं. कोलेस्ट्रॉल फ्री है, फैट फ्री है. तो जैसे मैंने बताया था कि वजन घटाना जरूरी है, लेकिन वजन घटाने के साथ फैट्स को कंट्रोल करना भी जरूरी है. तो क्या आप ऐसा प्रोटीन चाहेंगे जिसमें फैट्स एंड कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल भी नहीं है? एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग चाहेंगे ऐसा प्रोटीन जिसमें कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, फैट भी नहीं है, और कंप्लीटली वेजिटेरियन प्रोटीन है, राइट? सो दैट इज वाई ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर इज अ प्रोटीन विच इज विदाउट फैट, विच इज विदाउट कोलेस्ट्रॉल, एंड विच इज विदाउट कोलेस्ट्रॉल. राइट, प्लस 100% वेजिटेरियन प्रोटीन है, एंड लैक्टोज इंटॉलरेंस लोगों के लिए भी ये एक सही प्रोटीन माना जाता है. ऑल्सो किसी भी तरह की एडेड कलर एंड फ्लेवर्स हमने इसमें ऐड नहीं करे हैं, तो ये आपके हर रोज के कुकिंग प्रोसेस में भी आप ऐड कर सकते हैं. तो जैसे मैंने बताया था कि प्रोटीन से डेफिनेटली आपके वेट मैनेजमेंट के जर्नी को तो मदद करता ही है, लेकिन प्रोटीन हमें सटाइटी फीलिंग भी देता है, यानी कि पेट भरे रहने की फीलिंग भी प्रोटीन हमें दे देता है. तो जहाँ पे हमें से काफी लोग इसी एक परेशानी से हमेशा जूझते हैं कि हमें भूख बहुत लगती है. कितने लोगों को ये प्रॉब्लम है कि भूख बहुत बहुत ज्यादा लग जाती है, जिसके वजह से ओवर ईटिंग हो जाता है? कैन आई सी द हैंड्स? यस, कितने लोग ऐसे हैं यहाँ पे? राइट,
ये प्रॉब्लम मोस्टली हम में से काफी लोगों को फेस करनी पड़ती है, बिकॉज वी फील हंग्री। एंड जब भूख लग जाती है तो क्या ऐसे होता है कि हम ओवर ईट भी करते हैं नॉर्मल खाने से? क्या हम कभी दुगना खाना खा लेते हैं? कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? ऐसे सिचुएशंस में प्रोटीन्स जो है ये हमें बहुत मदद करते हैं हमारी सटाइटी फीलिंग के लिए, ये हमारा पेट भरा रहने के लिए बहुत मदद करते हैं फॉर द लॉन्गर टाइम। तो यस, अगर आप में से कुछ लोग अभी भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, जिन्हें ओवर ईटिंग की प्रॉब्लम है, जिन्हें एवरीडे बहुत ज्यादा भूख लगती है, डेफिनेटली वे सारे लोग प्रोटीन्स को, इस ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर को अपने मील्स में ऐड कर सकते हैं। नाउ जैसे कि यहाँ पे थोड़ी देर पहले कहा था काफी लोगों ने कि मैं स्प्राउट्स खा लेती हूँ, राइट? नाउ प्रोटीन्स को हमेशा एक क्वालिटी में जांचा जाता है। जिस तरह से आपने देखा होगा कि आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, कितने लोगों के घर पे छोटे बच्चे हैं? यस, कैन आई सी द हैंड्स? सबके घरों पे है। जब बच्चों को 99 मार्क्स आते हैं तो अच्छा लगता है, करेक्ट है? जब बच्चों को 99 मार्क्स आते हैं आउट ऑफ 100, जब बच्चों को आउट ऑफ 100 98 मार्क्स आते हैं तो अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता? राइट, क्योंकि 99 मार्क्स 98 मार्क्स जो है वो दर्शाता है कि बच्चा बड़ा होशियार है, राइट? प्रोटीन की भी क्वालिटी को इसी तरह से दर्शाया जाता है, और प्रोटीन की क्वालिटी को दर्शाने के लिए एक पैरामीटर यूज किया जाता है जिसका नाम है पीडी कास। PDCCAS, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर, ऐसे उसका फुल फॉर्म है। तो जब आप पीडी का स्कोर देखते हैं तो इस पीडी का स्कोर जो होना चाहिए ये हमेशा 1 होना चाहिए, जो दर्शाता है कि आपके प्रोटीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब जैसे हमने स्प्राउट्स की बात करी थी, काफी लोगों ने मुझे बताया कि हम स्प्राउट्स खाते हैं, क्या आपको पता है कि स्प्राउट्स का पीडी का स्कोर कितना होता है? क्या मैं आपको बताऊं कितना होता है स्प्राउट्स का पीडी का स्कोर? यस, तो स्प्राउट्स का पीडी का स्कोर होता है 0.3। ऑलराइट, तो 0.3 बड़ा या 0.1 बड़ा? डेफिनेटली 0.1 ये ज्यादा दर्शाता है, यानी कि अच्छे मार्क्स दर्शाता है। एंड दैट्स द रीजन हमारा जो ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है ये हम टॉप क्वालिटी ऑफ ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कंसिडर करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारा प्रोटीन हमें अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन देता है। नाउ इसी प्रोटीन्स को हम एवरीडे कैसे ले सकते हैं? मैंने जैसे बताया था कि क्योंकि इसमें किसी भी तरह का शुगर नहीं है, फ्लेवर नहीं है, ना एडेड किसी भी तरह के प्रिजर्वेटिव है, तो आप इसे आपके रोटियों में ऐड कर सकते हैं, आप आपके राय आपके दालों में ऐड कर सकते हैं। अगर आप चाहे तो एवरी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से 5 से 10 मिनट पहले पानी में ऐड करके भी इसे पी सकते हैं। तो एवरी मॉर्निंग जब ब्रेकफास्ट से पहले आप पानी या दूध में ऐड करके जब इसे ले लेते हैं, ताकत भी अच्छी रहती है, एनर्जी भी अच्छी रहती है, और वजन भी नियंत्रित रहता है। ब्रेकफास्ट में आप इसे ले सकते हैं, इसके बाद यानी कि 5 से 10 मिनट पहले इसे पी लीजिए, और फिर आप आपका जो मन पसंदीदा जो नाश्ता है वो कर लीजिए। दोपहर के खाने के साथ भी आप इसे ले सकते हैं, जैसे कि आपने इसे दालों में ऐड कर दिया, आपने इसे चपातीज में, आपके रोटियों में ऐड कर दिया, आपने इसे आपके सब्जियों में ऐड कर दिया, जिससे आपकी खाने की जो टेस्ट है वो भी चेंज नहीं होगी और शरीर में प्रोटीन्स भी चला जाएगा। तो कितने लोग ऐसे प्रोटीन को कल से अपने डाइट में ऐड करना चाहेंगे, और कौन सी चीजों में ऐड करना चाहेंगे आगे आगे से? क्या आप छाछ में ऐड करना चाहोगे? राइट, सो यहाँ पे लवली जी कह रहे हैं कि शी इज ऑलरेडी टेकिंग। ओके, तो आप जैसे छाछ में ऐड कर सकते हैं, आप एवरीडे सूप अगर पी रहे हो तो सूप में भी ऐड कर सकते हैं, दालों में भी ऐड कर सकते हैं, और राइट दही में भी ऐड करके ले सकते हैं। ठीक है, नाउ अब चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, जो हमारे इस वेट मैनेजमेंट की जर्नी में सबसे बढ़िया तरीके से मदद करता है, और उस प्रोडक्ट का नाम है प्रोटीन क्रेस्ट। अब ये प्रोटीन क्रेस्ट क्या है और प्रोटीन क्रेस्ट हमें किस तरह से मदद करेगा, उसे समझने के लिए हमें थोड़ा प्रोटीन क्रेस्ट को जानना पड़ेगा। प्रोटीन क्रेस्ट को एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक कहा जाता है, और ये न्यूट्रिशन ड्रिंक पाउडर बहुत ही बढ़िया वेलवेटी चॉकलेट फ्लेवर के साथ मिलता है। इसमें हमने न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करे हैं और कई सारे अलग अलग फाइबर्स भी ऐड करे हैं। नाउ प्रोटीन क्रेस्ट जो है ये हमारे
एवरीडे की मील का बहुत ही बढ़िया हिस्सा है, क्योंकि ये एवरीडे के हमारे मील को रिप्लेस करके हम इसे रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। मैंने जैसे बताया था कि काफी बार हमारे हर रोज के खान पान में एक ऐसी चीज हो जाती है जिसमें हम ओवर ईट कर देते हैं। जैसे कभी रात में खाना अच्छा बन गया तो हम ज्यादा खा लेते हैं। कभी आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि कभी चिकन अच्छा बना है तो आपने डबल खा लिया, कभी सब्जी अच्छी बनी है तो आपने ज्यादा खा लिया? कितने लोगों के साथ कभी ऐसा होता है? कभी बिरयानी अच्छी बनी है तो बिरयानी अच्छी खा ली, बहुत ज्यादा खा ली? कभी किसी के साथ हुआ है ऐसा? Am I right or wrong? होता है कभी हम सबके साथ? करेक्ट। सो जब खाना होता है तो खाने में कभी भी हमें कैलोरीज जो है या हमारे जो पोषण है, ये पोषण को हम कंट्रोल में नहीं कर सकते। जितना खाना चाहिए उतना हम खा नहीं पाते, और ऐसे कंडीशन में ही ओवर ईटिंग ये प्रॉब्लम आ जाती है। बट क्या हो कि अगर हमें एक सही क्वांटिटी, एक सही ऐसी क्वांटिटी मिल जाए जो हमें अपने पोषण को यानी कि अपने एवरीडे के मील्स को कंट्रोल में रख पाए, उसी हेतु से प्रोटीन क्रेस्ट बनता है। तो प्रोटीन क्रेस्ट बनता है तीन तरह के प्रोटीन से। वन विच इज व्हीट प्रोटीन, सेकेंड इज सोय प्रोटीन, और तीसरा है वे प्रोटीन यानी कि दूध का प्रोटीन। इसमें हमने मॉल्ट भी ऐड किया है, मॉल्ट यानी कि जौ। तो हमने इसमें जौ ऐड किया है, तो जौ क्या करता है, जौ में फाइबर होते हैं, तो इस फाइबर की वजह से हमारे इस प्रोटीन क्रेस्ट में ढेर सारा फाइबर भी पाया जाता है। और अगर आपको पता हो तो फाइबर दिल की बीमारियों को दूर रखता है। सो प्रोटीन क्रेस्ट ये आपको एक कंप्लीट फॉर्म ऑफ प्रोटीन देता है, फाइबर भी देता है, जो आपके वेट मैनेजमेंट के लिए तो बहुत बढ़िया है, बट एट द सेम टाइम आपके दिल की बीमारियों को भी बहुत अच्छी तरह से दूर रखता है। एट द सेम टाइम ये हमारे ताकत को बरकरार रखता है, स्टैमिना को मेंटेन रखता है। प्रोटीन क्रेस्ट के एक स्कूप से हमें मिलता है 8.75 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन। पीडी का स्कोर भी इसका 1 है। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रोटीन क्वालिटी दर्शाने के लिए पीडी का स्कोर 1 होना बहुत जरूरी है, और वही स्कोर हमें हमारा प्रोटीन क्रेस्ट भी देता है। सोय प्रोटीन आइसोलेट्स हमने इसमें ऐड करे हैं, और हमने वे प्रोटीन भी ऐड करा है जो आपके लीन बॉडी मास को मेंटेन रखता है। एंड यस, एट द सेम टाइम नेचुरली अकरिंग माल्ट हमने ऐड करा है जो फाइबर देता है। तो प्रोटीन क्रेस्ट को आप रेगुलरली अपने मील का हिस्सा बना सकते हैं। स्पेशली इसे लेना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। 1.5 स्कूप ऑफ प्रोटीन क्रेस्ट को आप आपके रेगुलर मील्स में आधा ग्लास दूध और आधा ग्लास पानी बना लेंगे, यानी कि पतला दूध बनाना है जिसमें आप प्रोटीन क्रेस्ट को ऐड करेंगे। इसमें 1 चम्मच ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर भी ऐड करेंगे, और इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मिलाकर एवरी मॉर्निंग अपने ब्रेकफास्ट के रिप्लेसमेंट में ले सकते हैं। यानी कि आप नाश्ता ना करके आप इसे ले सकते हो, जिससे मॉर्निंग में आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हैवी भी हो जाएगा, और प्रोटीन क्रेस्ट से आपको वजन को मैनेज करने के लिए मदद मिल जाएगी। एट द सेम टाइम आप प्रोटीन क्रेस्ट को वजन बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि प्रोटीन क्रेस्ट को आपने 1 ग्लास भर के दूध में ऐड कर दिया, इसे अच्छी तरह से बना दिया, और फिर अपने एवरी मॉर्निंग नाश्ते के साथ इसे लेना है। तो जिन्हें जिन्हें वजन बढ़ाना है वो कैसे लेंगे, ब्रेकफास्ट करने के साथ साथ इसे पी लेंगे। तो जो भी आपका घर का हेल्दी नाश्ता है उसके साथ आपको इसको पी लेना है। ध्यान में रखिए कि प्रोटीन क्रस्ट को अगर आप पानी में मिला के लेना चाहते हैं वजन घटाने के लिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि पानी से आपको अल्टीमेटली भूख तो लगी जाएगी। जब हम दूध के साथ थोड़ा बहुत ले लेते हैं तो पेट भरा भी रहता है, और अगले 2 से 3 घंटे तक हमारे शरीर में एनर्जी भी अच्छी रहती है। तो ऑलवेज रिमेम्बर, जब हमें वजन घटाना है तो आधा दूध आधा पानी ले लेना है। सो प्रोटीन क्रेस्ट यहाँ पे हमारी वेट को मैनेज करने के लिए भी मदद करता है, और वेट को गेन करने के लिए। द ओनली थिंग इज कि इसे लेना कैसे। बट यहाँ पे एक चीज हमें भूलना बिल्कुल जरूरी है, कि वो भूलना नहीं है, विच इज हर एक चीज के साथ, जैसे कि आपका एवरी डे का एक्सरसाइज होना बहुत जरूरी है। सो सारे लोगों ने ये सारी चीज नोट डाउन कर ली है? कैन आई सी द हैंड्स क्विकली? राइट। सो नो डाउट हमारे जो प्रोडक्ट्स है ये मदद तो करते ही है, बट एट द सेम टाइम एवरी डे का हमारा 45 मिनट्स टू 1 आवर का आपका वॉक होना बहुत जरूरी है। नाउ प्रोटीन क्रेस्ट के बाद जो हम अगला प्रोडक्ट आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा ओमेगा 3 अंटार्कटिक क्रिल ऑयल। ओमेगा 3 अंटार्कटिक क्रिल ऑयल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अंटार्कटिका के महासागरों में मिलने वाला
मैक्रिल नाम की एक छोटे से जीव से निकाला जाता है। ये ओमेगा थ्री फैटी एसिड हमारे दिल के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। कहा जाता है कि ओमेगा थ्री के रेगुलर कंजम्पशन आइडियली हम हर रोज हमारे डाइट में होना चाहिए, लेकिन अगर हम इस ओमेगा थ्री के अगर सोर्सेस को देखें तो हम एवरी डे ना मछली खा पाते हैं और ना ही इस क्रिल को खा पाते हैं, और जिसके वजह से ओमेगा थ्री की जो कमियां हैं वो हमारे शरीर में बहुत ज्यादा हो जाती है। बट एट द सेम टाइम यही ओमेगा थ्री हमारे दिल के लिए, हमारे लिवर के लिए और हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत ही बढ़िया माना जाता है। इनफैक्ट जिन लोगों को रेगुलरली आंखों के इन्फेक्शन होते हैं, आंखों से आंखों में जलन होती है, ऐसे लोगों के लिए भी ओमेगा थ्री हाईली रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आप आपके रेगुलर खान पान में ढेर सारा तेल वाला खाना खा रहे हैं, या फिर अगर आपके खान पान में आपके खाने में खाना पकते वक्त आप बहुत सारा ऑयल यूज कर रहे हो, एवरीडे फ्राइड चीजें खाते हो, तो डेफिनेटली आज ही से ओमेगा थ्री के हमारे इस अंटार्कटिक क्रिल ऑयल को लेना स्टार्ट करें। बिकॉज अंटार्कटिक क्रिल ऑयल में ना कि सिर्फ ओमेगा थ्री है बट हेल्दी फैटी एसिड्स के साथ साथ इसमें कोलीन है, फॉस्फोलिपिड कंपाउंड है एंड एस्टाजेपिन है। ये तीनों इंपॉर्टेंट इसेंशियल कंपाउंड्स है जो आपके मस्तिष्क, आपके दिमाग यानी कि आपके या आपके ब्रेन को और आपके लिवर को भी हेल्दी रखता है। तो जिन लोगों को अल्कोहलिज्म करने की बहुत आदत है, जो लोग रेगुलरली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, तली हुई चीजें बहुत खाते हैं, उनका लिवर को हेल्दी रखने के लिए भी ओमेगा थ्री बहुत मदद करता है। यहाँ पे और एक चीज है, वो है बेली फैट। आपने देखा होगा काफी लोगों के वजन बढ़ने की वजह से पेट में बहुत ज्यादा चर्बी जम जाती है। अनफॉर्चुनेटली पेट की बढ़ी हुई धीरे धीरे जो चर्बी है ये हमारे लिवर को भी धीरे धीरे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या फिर लिवर को भी धीरे धीरे डैमेज कर सकती है। तो जिनका जिनका यहाँ पे वजन, कितने लोग हैं जो यहाँ पे जिनका वजन 10 या 15 किलो एक्स्ट्रा है, क्विकली हैंड रेज कर दीजिए। कितने लोग हैं यहाँ पे जिनका वजन 10 किलो 15 किलो से ज्यादा है, राइट? सो यहाँ पे जिनके जिनका 10 या 15 किलो से वजन एक्स्ट्रा है, मैं हर एक को यहाँ पे कहना चाहूंगी कि अपने बली यानी कि अपने पेट के यहाँ की जो चर्बी है इसको कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है, और इस चर्बी को, अंदरूनी चर्बी को घटाने के लिए एवरी डे हेल्दी फैट्स को लेना बहुत जरूरी है, एंड जो हमें मदद करता है ओमेगा थ्री अंटार्कटिक क्रिल ऑयल। सो ओमेगा थ्री अंटार्कटिक क्रिल ऑयल रेगुलरली 2 टैबलेट्स अपने डाइट में ऐड कर दीजिए, यानी कि 1 टैबलेट आप अपने ब्रेकफास्ट के या दोपहर के खाने के 5 से 10 मिनट के बाद में ले लीजिए, और 1 टैबलेट आप आपके रात के खाने के बाद ले लीजिए। ऑलराइट, सो इस तरह से हम हमारा ओमेगा थ्री अंटार्कटिक क्रिल ऑयल भी ले सकते हैं। नाउ हम अगला प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, एंड गेस व्हाट, वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो ना कि सिर्फ आपके वजन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा बट एट द सेम टाइम वो आपको ढेर सारी इम्यूनिटी भी देगा। एंड ऐसे प्रोडक्ट का नाम क्या है, इस प्रोडक्ट को कहा जाता है नोनी जूस। कितने लोग यहाँ पे नोनी जूस रेगुलरली लेते हैं? Yes, काफी लोग ले रहे हैं, आई कैन सी, वेरी गुड। सो लेट मी टेल यू, नोनी जूस यहाँ पे नो डाउट हमारी इम्यूनिटी के लिए तो है। वैसे तो कहा जाता है कि नोनी जूस ये एक सर्वगुण फ्रूट है। नोनी एक ऐसा फ्रूट है जो आयुर्वेदा में इसका महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि नोनी फ्रूट में 150 से भी ज्यादा फाइटो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। और ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं, ये फाइटो न्यूट्रिएंट्स आपकी शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी रखते हैं। बट एट द सेम टाइम जब हम नोनी जूस की बात करते हैं तो हमारे नोनी जूस में नोनी फ्रूट के साथ साथ कोकम समाया हुआ है। कोकम क्या करता है, तो कोकम, अगर आप सबको पता हो कि जितने भी लोग यहाँ पे प्रोबेबली मैं कहूंगी कोंकनी है, आपने देखा होगा काफी लोग कोकम को अपने खाने में भी ऐड करते हैं। द रीजन इज कोकम से आपको हाइपर एसिडिटी के फायदे मिलते हैं। कोकम इनफैक्ट आपके डाइट को भी सुधारता है और कोकम से मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होने के लिए भी मदद मिलती है, यानी कि वजन घटाने के लिए भी बहुत मदद मिलती है। एंड दैट्स द रीजन नोनी जूस को आप आपके वेट मैनेजमेंट की जर्नी में डेफिनेटली ऐड कर सकते हैं। नोनी जूस बेसिकली बहुत सारे विटामिन से भरा हुआ है, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और अलग अलग मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन एंड फॉस्फोरस। ये करता क्या है, तो ये आपके शरीर की कोशिकाओं को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है।
तो अल्टीमेटली जब आपके शरीर की कोशिकाएं धीरे धीरे जब हेल्दी हो जाएगी तो आपकी शरीर की मांसपेशियां भी हेल्दी हो जाएगी, और जब शरीर की मांसपेशियां अच्छी हो जाएगी तो अल्टीमेटली आपका आपके शरीर के जो ऑर्गन्स है वो भी हेल्दी हो जाएंगे। एंड दैट्स द रीजन, अगर आपके शरीर के हर ऑर्गन्स जब अच्छे होंगे तभी जाके आपका शरीर भी अच्छा होगा। ओके, सो मेरी आवाज हर एक तक पहुंच रही है? माई ऑडिबल टू ऑल? तो यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है कि मेरी आवाज थोड़ी सी नहीं आ रही है। ऑलराइट, सो इस तरह से नोनी जूस आप रेगुलरली अपने डाइट में ले सकते हैं अपने इस वेट के मैनेजमेंट की जर्नी में। सो एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे जितने भी लोग अपने वजन को मेंटेन करना चाहते हैं, हर सुबह अपने मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले नोनी जूस को आप सादे पानी या गुनगुने पानी में ऐड कर ले, उसको प्रॉपरली मिक्स कर ले और पी ले। एवरी रात, आई मीन नाइट में, रात को खाना खाने से आधे घंटे पहले नोनी जूस को अगेन गुनगुने पानी में या सादे पानी में मिक्स कर ले, एंड देन आपके रात के खाने को आप खा ले। इस तरह से आप नोनी जूस को रेगुलरली कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन इसको कंज्यूम करने का एट द सेम टाइम अलग अलग फायदा भी है। जैसे कि जिन लोगों को हार्ट प्रॉब्लम है उनके लिए भी आप नोनी जूस दे सकते हैं, जिन्हें डाइजेशन की इश्यूज है उनके लिए नोनी जूस दे दीजिए, अच्छी तरह से मदद करता है। डायबिटीज जिन लोगों को है डायबिटीज के लिए भी नोनी जूस को दे दिया जाता है। जिनको एनर्जी बूस्टअप करनी है या अलग अलग तरह के रेगुलरली इन्फेक्शंस होते हैं, इन शॉर्ट नोनी जूस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक व्यक्ति हमारे इस बिजनेस को जिस समय शुरू करता है उसी समय से लेना जरूरी है। क्योंकि अल्टीमेटली नोनी जूस, एज आई सेड, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हर एक प्रोडक्ट का एक राजा है। मैं कहूंगी, मैंने जैसे बताया था कि इसका जो फायदा है ये बहुत अलग अलग तरह के फायदे देता है। सर्वगुण संपन्न ऐसा ये फ्रूट है या प्रोडक्ट है। तो डेफिनेटली आप आपके शुरुआती दौर पे अगर कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट लेना चाहते हैं जिससे आपको सारे फायदे मिले, तो डेफिनेटली द प्रोडक्ट इज द नोनी जूस। नाउ इसे लेने का एक टिपिकल तरीका होता है, जैसे मैंने बताया था कि इसे लेने के लिए आपको पहले 3 दिन तक 5 ml आपको पानी में ऐड करके लेना होता है। 3 दिन के बाद यानी कि चौथे दिन से छठवें दिन तक आपको 10 ml पानी में ऐड करके लेना है, और 7वें दिन से आगे फिर आप 30 ml पानी में ऐड करके ले लोगे। अगर आपके घर पे छोटे बच्चे हैं, जैसे कि काफी बार मुझे पूछा जाता है कि मैडम अगर 6 साल के बच्चे हैं 7 साल के बच्चे हैं तो उनके लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं? नो वरीज, नोनी जूस हमारे 6 साल के आगे के एज के लिए भी बना हुआ है। तो अगर आपके घर पे 6 साल के, 7 साल के बच्चे हैं, 10 साल के बच्चे हैं, उनके लिए भी आप नोनी जूस दे सकते हैं। लेकिन आपको इस प्रोडक्ट की हाफ क्वांटिटी देनी है। जैसे कि पहले 3 दिन तक आपको आपको उन्हें 5 ढाई ml देना है, चौथे दिन से छठवें दिन तक आपको उन्हें 5 ml देना है, और 7वें दिन से आगे उन्हें केवल 10 ml देना है। यानी कि आप जितनी क्वांटिटी ले रहे हो उससे कंप्लीटली हाफ क्वांटिटी बच्चों के लिए दी जा सकती है, और इससे बच्चों का भी एक सही तरह से एक अच्छा हेल्थ मेंटेन किया जा सकता है। आप एज वी नो कि नाउ डेज बच्चों के लिए भी ओवरवेट की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा बढ़ चुकी है, राइट? कितने लोगों ने ये प्रॉब्लम्स को देखा है? नाउ डेज छोटे छोटे बच्चे, जैसे कि 10 साल के, 11 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें भी ओवरवेट की समस्याएं होती है, करेक्ट है? लेकिन डेफिनेटली ऐसे छोटे बच्चों के लिए वजन को कम करने के लिए खाना बंद करना मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करूंगी, और ना ही उन्हें प्रोटीन क्रेस दिया जा सकता है। तो आप उनके लिए डेफिनेटली नोनी जूस और खाने में थोड़े बहुत चेंजेस, जैसे कि घर का खाना दे, उनके लिए बाहर का खाना बंद कर दे, उन्हें पिज्जा और बर्गर खाने के लिए पैसे ना दे। आई एम श्योर डेफिनेटली ये जो बच्चे हैं ये बाहर का खाना नहीं खाएंगे, एंड उनके वेट को हेल्दी रहने के लिए भी मदद मिल जाएगी। लेकिन अल्टीमेटली जब आप उन्हें हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में नोनी जूस का इंक्लूजन करते हैं उन्हें मदद भी मिल जाती है। नाउ हम आते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की ओर, और वो है हमारे इस आज के सेशन का लास्ट प्रोडक्ट, और वो है करेला जामुन जूस। सो जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर द स्क्रीन। हम सबको पता है कि एक हेल्दी वेट तब मैनेज हो सकता है जब हमारा हेल्दी डाइट हो, और आप सबने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मीठा खाते हैं उन्हें भी वेट ज्यादा बढ़ने की प्रॉब्लम्स होती है। कितने लोगों को यहाँ पे मीठा खाना बहुत पसंद है? कितने लोगों को हैबिट है हर रोज खाना खाने के बाद में चॉकलेट खाने की?
कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन्हें खाना खाने के बाद एक आइसक्रीम तो खाना बनता है, राइट? एम आई राइट और रॉन्ग? कितने लोग हैं यहाँ पे? तो क्या जितने भी लोग यहाँ पे हैंड रेस कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं, क्या ये आप सोचते हैं कि ये आदतें अच्छी है? यस और नो? डू यू रियली फील कि ये आदतें अच्छी है? नो? आर यू श्योर? तो खाना बंद कर दीजिए. इज इट पॉसिबल? नो. हमको खाना भी है, हमको मीठा भी खाना है और हमको पतला भी होना है, राइट? तो हमें प्रॉब्लम ये होती है कि हमें सब चाहिए होता है, हमें सारी चीजें मेंटेन करनी होती है. लेकिन ऑफ कोर्स ऑन अ लाइटर नोट मैं ये भी कहना चाहती हूँ, ऑल्दो ये सारी आदतें हमारा मोटापा बढ़ा रही है, लेकिन हमारे थोड़े बहुत बदल, हमारे खान पान में अगर हम थोड़े से चेंजेस कर दे तो हमारा वजन इजी वे से मेंटेन हो सकता है. तो डेफिनेटली हमारी इन आदतों को थोड़ा बहुत अगर हम बदल सकते हैं तो डेफिनेटली बदले. और इस बदलने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहती हूँ. क्या वो ऐसे टिप आप सुनना चाहेंगे? कितने लोग यहाँ पे इस टिप को सुनना चाहेंगे जिस टिप को उससे के साथ उनका मीठा खाने की आदतें भी मेंटेन हो जाए, वजन भी ना बढ़े? यस एवरीवन, हियर वी गो देन. सो द टिप इज, सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग मीठा खाने की आदत रखते हैं उन सबके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप मीठा खाए तो खाने के बाद मीठा ना खाए. तो सबसे पहले तो ये बात है. तो खाना खाने के बाद मीठा खाना बंद करें. अगर आपको मीठा खाना है तो खाना खाने के 2 घंटे के बाद खाए. क्या यह कर सकते हैं हम? कैन वी डू दिस? 2 घंटे तक थोड़ा सा हम पेशेंस रख सकते हैं? तो खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप मीठा खाने की आदत रखते हो तो बस 2 घंटे वेट कीजिए. अगर आपका खाना 2 बजे खा के हो रहा है और मीठा खाने की अगर आदत, अगर बहुत ज्यादा आदत है, बहुत ही ज्यादा आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो एटलीस्ट 4 बजे तक आपको रुकना है और 4 बजे मीठा खाना है, या फिर मीठा बिल्कुल ही नहीं खाना है अगर अपने वेट को आप अच्छा हेल्दी रखना चाहते हो. एट द सेम टाइम आपका एक हेल्दी डाइट पैटर्न होना बहुत ही जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, आप में से आई एम श्योर बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा चावल खाते हैं, राइट? चावल, बिंग इंडियंस हम सारे, मैं कहूंगी चावल, यानी कि राइस इज आर स्टेपल फूड. लेकिन राइस को भी थोड़ा बहुत कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. और ऐसे कंडीशन में जितने भी लोग यहाँ पे चावल खाना बहुत पसंद करते हैं उनके लिए मोदी केयर के साथ एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है. एंड यू नो व्हाट इज द प्रोडक्ट? द प्रोडक्ट नेम इज किनोआ. सो आप किनोआ को बहुत ही बढ़िया तरीके से उबाल कर उसे आप चावल के सब्स्टिट्यूट में अपने डाइट में ऐड कर दीजिए. तो जिन जिन लोगों को चावल खाने की बहुत आदत है, बिना चावल खाए आप उनका दिन ही आगे नहीं बढ़ता और वजन भी कंट्रोल में रखना है, तो आज ही से किनोआ को आप अपने घर में लाए, किनोआ को एक प्रॉपरली पकाए और एट द सेम टाइम उसे आप दाल के साथ, आपकी किसी भी तरह की जो घर पे करी बन रही है, जो सब्जी बन रही है, उसके साथ आप इस किनोआ को चावल के रिप्लेसमेंट पे ले सकते हैं, जिससे वजन भी मेंटेन रहेगा और चावल की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स पेट में जा रहे हैं वो भी कंट्रोल में रहेंगे, राइट? एट द सेम टाइम अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट को करना सीखिए, जैसे कि स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए. आपके रेगुलर डाइट में अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको करना बंद कर दीजिए. और आज ही से हमारा करेला जामुन जूस पीना शुरू करें. करेला जामुन जूस ये आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल में रखने के लिए बहुत मदद करता है. इसमें सर्टिफाइड ऑर्गेनिक करेला एंड जामुन जू फ्रूट के हमने सीड्स को ऐड किया है, जिसकी वजह से ये शुगर को हेल्दी रखने के लिए मदद करता है. तो जब शुगर कंट्रोल में रहेगी तो खुद ब खुद वजन भी कंट्रोल में रहेगा, राइट? तो जिन जिन लोगों को यहाँ पे डायबिटीज है या नहीं है, यूजुअली मुझे पूछा जाता है कि मैडम अगर हमें डायबिटीज नहीं है तो क्या हम इसे ले सकते हैं? तो माय आंसर इज क्यों नहीं ले सकते. जैसे मैंने बताया था कि मीठा खाने की अगर आदत आपको एवरीडे है और वजन आपको बढ़ चुका है तो क्या हम डायबिटीज होने की राह देख रहे हैं? नहीं ना. सो डायबिटीज होने की राह नहीं देखनी है, आज इसे करेला जामुन जूस लेना शुरू करना है. हमारे इस करेला जामुन जूस में करेला एंड जामुन की सीड्स के एक्सट्रैक्ट है जो आपकी शुगर लेवल्स को हेल्दी रखने के लिए मदद करते हैं, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत ही बढ़िया तरीके से सपोर्ट करता है ये, एट द सेम टाइम आपके यू नो डाइजेशन को भी सुधारता है. सो एवरी डे करेला जामुन जूस को कैसे ले? एवरी डे करेला जामुन जूस को आपके मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के आधे घंटे पहले आप इसे ले सकते हैं, पानी में या गुनगुने पानी में ऐड करके, या फिर आप चाहे तो आपके दोपहर के खाने से आधे घंटे पहले ले सकते हैं.
तो जब भी आप खाना खाए उसके आधे घंटे पहले करेला जामुन जूस को पानी में ऐड करके ले लीजिए, और रात के खाने के आधे घंटे पहले करेला जामुन जूस को ले सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि करेला जामुन जूस के साथ क्या हम नोनी जूस मिक्स करके ले सकते हैं, एब्सोल्युटली चलेगा। आप करेला जामुन जूस और नोनी जूस दोनों मिक्स करके भी पी सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम, और इस तरह से अपने वेट मैनेजमेंट को और अच्छी तरह से हेल्दी बना सकते हैं। अल्टीमेटली हमें ये समझना जरूरी है कि इस वेट मैनेजमेंट की जर्नी में अगर हम अच्छी खाने की आदतें रखें तो डेफिनेटली वेट कंट्रोल में रहना बहुत आसान हो सकता है। अगर हम खान पीन की आदतें अगर अच्छी रखें, अगर हम हमारे एक्सरसाइज के पैटर्न की आदतें अगर अच्छी रखें, तो डेफिनेटली सारी चीजें और आसान हो सकती है। बट द ओनली थिंग इज हमारा एक कदम उठाना बहुत जरूरी है। हमारे खान पान में अगर हम एक थोड़ा सा एक चेंजेस कर दे, हमारी खान पान की आदतों में अगर हम थोड़ा सा मीठा खाना अगर कंट्रोल में रख सके, तो क्या ये बहुत बड़ा डिफरेंस दे सकता है? चाहिए इसे रेगुलरली कैसे कंज्यूम करना चाहिए ये तो हमने डिस्कस करा। सो अगर आप में से कितने भी लोगों को यहाँ पे अगर कुछ क्वेरीज है, कुछ अगर सवाल है, वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उन सारे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे एंड विल स्टॉप विल क्लोज दिस सेशन। अच्छा, ओके। कोई भी प्रोडक्ट नहीं, मोदी कर का कोई भी प्रोडक्ट नहीं यूज कर सकता है? जी नहीं, जो प्रेग्नेंट और लैक्टेशन फीडिंग महिलाएं हैं उनको नहीं देंगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। मैम प्रोटीन क्रस्ट दे सकते हैं क्या? नहीं, प्रोटीन क्रस्ट भी नहीं देंगे। जो प्रेग्नेंट है उनके लिए हम नहीं देंगे, जो लैक्टेशन पे ले है उनके लिए अगर देना ही है डॉक्टर को पूछिए और दीजिए, चलेगा? आप ये कर सकते हैं, अगर आपको देना ही है, सपोर्ट करना ही है, जैसे कि मैम भी अभी पूछ रही थी कि आयरन फॉलिक टैबलेट देनी है उनको, उनके एक बार डॉक्टर को बता दीजिए कि आप ये टैबलेट उनको देना चाहते हैं। अगर उनके डॉक्टर हाँ बोल रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं हाँ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूँ। तो मैं मेरे तरफ से जो सजेशन है वो ही दूंगी। तो जो डॉक्टर है उनको पूछ लीजिए, डॉक्टर को प्रोडक्ट दिखाइए, अगर डॉक्टर हाँ बोल रहे हैं तो दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हेलो मैम जी, डायबिटीज में हम कौन कौन से सप्लीमेंट ले सकते हैं? सो डायबिटीज में आप कुछ प्रोडक्ट दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा करेला जामुन जूस है वन, सेकेंड इज नोनी जूस, थर्ड इज वेल गिलोय टैबलेट एंड फोर्थ विच इज वेल इंटेलेक्ट। इन फोर प्रोडक्ट्स को आप हाई प्रायोरिटी पे ऐड कर सकते हैं। आई रिपीट, करेला जामुन जूस, नोनी जूस, वेल गिलोय एंड इंटेलेक्ट। ऑलराइट, हाँ जी मैम। गार्लिक पल भी दे सकते हैं ना? गार्लिक पल्स भी ऐड कर सकते हैं, नो डाउट। गार्लिक पल्स मैं कहूंगी प्रोटीन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन जो टॉप फोर प्रोडक्ट्स है वो ये चार प्रोडक्ट्स है। इसके साथ आप गार्लिक पल्स भी ऐड करो, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर भी ऐड करो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। लेकिन ये चार प्रोडक्ट्स तो मतलब मैं कहूंगी मैंडेटरी है, ये चार प्रोडक्ट्स तो जाने ही चाहिए। पर एक स्पिरुलिना का भी मैंने सुना मैम, इसमें दे सकते हैं हम? As I said, वैसे तो कहा जाता है कि स्पिरुलिना भी आप दे दीजिए, डिटॉक्स भी दे सकते हैं, आंवला भी दे सकते हैं, राइट? बट मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको एक 100% एक कंप्लीट एक ऐसा प्रोडक्ट का पैकेज चाहिए जो आप मैंडेटरी दे सको, तो ये चार प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ इफ यू वांट यू कैन ऐड गार्लिक पर्ल्स, यू कैन ऐड ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर, ये प्रोडक्ट्स बाकी के हैं जो ऑफ कोर्स आपके कस्टमर के बजट पे भी डिपेंड करता है, तो आप उस अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं, बट मैंडेटरी फोर प्रोडक्ट जो है ये मैंने आपको बता दिए। ओके, थैंक यू मैम। तो राइट नाउ अभी मैं हर एक को यहाँ पे म्यूट करूंगी क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स में काफी क्वेश्चंस आए हैं, एंड लेट अस अंडरस्टैंड दोस क्वेश्चंस एज वेल। सो जस्ट अ मिनट, ओके। तो यहाँ पे शिवानी जी पूछ रहे हैं कि बीपी लो है तो नोनी जूस दे सकते हैं? नो प्रॉब्लम, दे सकते हैं आप। प्रेग्नेंट महिला को डायबिटीज है तो उसके लिए क्या दे सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। प्रेमा जी, जो प्रेग्नेंट है और उनको डायबिटीज है और पित्त भी हो रहा है, डॉक्टर के पास जाने के लिए बोल दीजिए। वी आर नॉट डॉक्टर्स, तो आप उनके लिए कोई भी सप्लीमेंट नहीं देंगे। ऑल्दो उनके लिए ऑफकोर्स डायबिटीज है और ये सारी चीजें है, बट राइट नाउ वी कैनॉट गिव एनीथिंग। विच ब्रेन टैबलेट कैन बी टेकन? लैला जी, कैन यू प्लीज रिपीट योर क्वेश्चन? आपका जो भी क्वेश्चन है थोड़ा सा एलैबोरेट करके दोगे कि ब्रेन टैबलेट किस लिए किसको देनी है, दैट वुड बी बेटर। देन आता है क्वेश्चन, सिर्फ बेली फैट के लिए बताइए। सिर्फ बेली फैट के लिए तो मैं यही कहूंगी कि
रोज 5 किलोमीटर दौड़ लगाइए, तो उससे आपका बेली फैट कम हो जाएगा। बट नो डाउट आप एक्सरसाइज करना तो बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके पेट की चर्बी कम होगी। बट एक्सरसाइज के साथ साथ आप नोनी जूस लेना स्टार्ट कर सकते हैं। नोनी जूस के साथ साथ रेगुलरली आप ग्रीन टी पी सकते हैं, वो जो बहुत ही बढ़िया तरीके से मदद करेगा। बट एक्सरसाइज करना बिल्कुल ना भूले। प्रेगनेंसी में ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, डॉक्टर को पूछ के दे सकते हैं। डॉक्टर को बिना पूछे आप कुछ भी ऐड नहीं करोगे। अगर प्रेगनेंसी में आप देना ही चाहते हो, डॉक्टर को पूछ लीजिए। अगर डॉक्टर हाँ बोल रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अदरवाइज मैं मेरी तरफ से तो ना ही बोलूंगी। हाइपोथायरॉयड के लिए क्या दे सकते हैं, प्रियंका जी जिनको थायरॉयड है उनके लिए आप स्पेसिफिकली मैं ऐड करूंगी प्रोटीन क्रेस्ट, ताकि उनका एक सही तरह से वजन कंट्रोल में रहे। उनके लिए आप क्रिल ऑयल ऐड कर सकते हैं। क्रिल ऑयल ओमेगा 3 क्रिल ऑयल हार्मोन्स को बहुत अच्छा कंट्रोल में रखता है, तो आप क्रिल ऑयल ऐड कर दीजिए। कोरियन रेड जिनसेंग ऐड कर दीजिए, विटामिन डी ऐड कर दीजिए। कोरियन रेड जिनसेंग जो थायराइड में जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, मूड स्विंग्स होता है, उसको कंट्रोल में रखता है। और विटामिन डी ऐड कर दीजिए, क्योंकि यूजुअली थायराइड में विटामिन डी की डेफिशिएंसी आ जाती है। ऑलराइट, पाइल्स के लिए क्या दे सकते हैं, पाइल्स के लिए हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट नहीं है पाइल्स को जो अच्छा करे। बट एक चीज समझना जरूरी है कि पाइल्स होता उन लोगों को है जिनको बहुत ज्यादा सीवियर कॉन्स्टिपेशन होता है, यानी कि जिनका पेट साफ नहीं होता है। तो ब्रिजेश जी, आप जिनको भी पाइल्स के लिए प्रोडक्ट देना चाहते हैं, सबसे पहले तो उनके लिए कॉन्स्टिपेशन के लिए आप वेल त्रिफला टैबलेट ऐड कर दीजिए, ताकि उनका पेट साफ हो जाए। वेल त्रिफला से पाइल्स ठीक नहीं होगा, लेकिन पेट तो साफ हो जाएगा। ठीक है, तो उनके लिए वेल त्रिफला दीजिए, आप उनके लिए एलोवेरा टैबलेट दे दीजिए, ताकि उनको एलोवेरा से थोड़ा सा ठंडक मिल जाएगी। ऑलराइट, पाइल्स के लिए हो गए। जॉइंट्स के लिए क्या दे सकते हैं, ऑलराइट ओके, मैं यहाँ पे आंसर तो कर रही हूँ जॉइंट्स के लिए और पाइल्स के लिए जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। बट यहाँ पे मैं रेकमेंड करूंगी कि प्लीज आपके जो क्वेश्चंस है ये रेलेवेंट आप क्वेश्चंस कीजिए, जो आज का सेशन है उसके रेलेवेंट। तो हमने जो भी प्रोडक्ट डिस्कस करे है, जो आज का टॉपिक था, उसके रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हो तो ज्यादा आसानी होगी। ओके, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर एंड प्रोटीन क्रस्ट में क्या डिफरेंस है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कोमल जी। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप सबको, जैसे मैंने बताया था कि ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर है, ये एक सिर्फ प्रोटीन ड्रिंक है, जिसमें प्रोटीन के हमने सोर्सेस ऐड करे हैं, जो आपकी प्रोटीन की कमी के लिए बनाया गया है। लेकिन जब प्रोटीन क्रस्ट की बात आती है, तो प्रोटीन क्रस्ट एक न्यूट्रिशनल ड्रिंक है, जिसमें प्रोटीन्स भी है, विटामिंस मिनरल्स भी है, फाइबर भी है, राइट। तो इसे एक न्यूट्रिशन ड्रिंक कहा जाता है, जो आप आपके रेगुलर डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जस्ट फॉर लाइक आपके एक एज अ रेगुलर न्यूट्रिशन ड्रिंक के तौर पे। जैसे अगर शाम को कभी भूख लग रही है, तो आप प्रोटीन क्रस्ट को पी सकते हैं, आपके वजन बढ़ाने के लिए भी पी सकते हैं, वजन घटाने के लिए भी पी सकते हैं। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस। अनदर डिफरेंस इज अबाउट द फ्लेवर। अगर आप देखोगे प्रोटीन क्रस्ट जो है ये चॉकलेट फ्लेवर में बना है, ऑल प्लांट प्रोटीन पाउडर कोई भी फ्लेवर में नहीं है। तो ये आप अलग अलग आपके व्यंजनों में ऐड कर सकते हो, आप रोटी सब्जी में ऐड कर सकते हो। प्रोटीन क्रस्ट को आप किसी में ऐड नहीं कर सकते, इसको आप दूध के साथ या पानी के साथ पी सकते हो, राइट। सो दिस इज अ डिफरेंस। सी सेक्शन के बाद कितने टाइम के बाद लेना है, पुष्पा जी या फिर यहाँ पे जितने भी लोग हैं जिनकी भी डिलीवरी हो गई है, डिलीवरी के बाद एटलीस्ट जब उनका लैक्टेशन पीरियड है, फीडिंग पीरियड है, फीडिंग पीरियड जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद आप कोई भी प्रोडक्ट दे दीजिए। तो डिलीवरी के बाद, although it is a C-section as well, उसके बाद भी हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेशन पीरियड में अगले 6-7 महीने से लैक्टेशन पीरियड जब तक खत्म नहीं होता, तब तक हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं देंगे। उसके बाद आप हर एक के लिए कुछ भी दे सकते हैं। ऑलराइट, सो देन जॉइंट्स के लिए, मैंने जॉइंट्स के लिए बताया नहीं, लेकिन जिन्हें जिन्हें जॉइंट्स की समस्याएं हैं उनके लिए आप हमारे ग्लूकोजामिन है, ग्लूकोजामिन विद बोजाबिला एंड करक्यूमिन, ये प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। वन सेकेंड इज विटामिन डी ऐड कर दीजिए, कैल्शियम ऐड कर दीजिए, आप उनके लिए ऐड कर सकते हैं हमारा क्रिल ऑयल, राइट, टर्मरिक टैबलेट है, ये 5 प्रोडक्ट्स आप ऐड कर सकते हैं।